बैठना तू मेरे सर पे, रब बैटल करनी है तो आज बैठा मंच पे, फ्लो में बहेगा तू मेरे शर्त है, डर रहा मुझसे तो बैठ अपने घर पे। बेहतर रगों में ईंधन है, 1000 हॉर्स पावर इंजन है मेरा, दूसरा ना सीने नम है शब्द मेरे जैसे। हेलो मेरे भाई लोग, मेरे हिप हॉप लवर, शाउट आउट टू रैपर टैग, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और जितने भी हिप हॉप लवर है भाई, थोड़ा मोटिवेट कर दो, थोड़ी ताकत दिखा दो व्यूज देके, गाने सुन के। और आज हम रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं सीधे मौत। कुछ टाइम पहले गाना आया है, गाने का नाम है दम पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सीधे मौत एक्स करण कांचन ऑन द बीट, करण कांचन गली गैंग डिवाइन के साथ बहुत म्यूजिक सुना, और म्यूजिक हमेशा इसका फाड़ होता है। और सीधे मौत हमेशा कहता हूँ, जैसा नाम वैसा काम। और गाना थोड़ा छोटा है, 2 मिनट 10 सेकंड का शायद, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये अभी 2 मिनट का है, लेकिन इसके अंदर जो बातचीत होने वाली है बहुत बड़ी बातचीत होने वाली है, बहुत ही डिटेल में होने वाली है। क्योंकि ये जो सीधे मौत है हमेशा हमेशा डीप मीनिंग लेके आते हैं। और जब भी मैं इनके गाने सुनता हूँ एक ही चीज़ आती है, यार वॉइस ऑन एडिटेड, यार गाने को आए हुए 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन व्यूज़ है वो है 12,000। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यार, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप लोग सीधे मौत को सुनते हैं। लेकिन जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, जिन्होंने ये गाने नहीं सुने हैं, आने वाले टाइम में और बहुत जल्दी जब इनके गाने मिलियंस में क्रॉस होंगे और जब इनके गाने ट्रेंडिंग पे जाएंगे, तो जो लोग नहीं सुन रहे हैं ना, वो लोग अपने मुंह पे थप्पड़ मारने वाले हैं। और वो लोग इनके जाके पुराने गाने सुनेंगे, भाई 2020 में क्या कारनामे किया, 18-19 में क्या कारनामे किया है। और जब उनके वो लोग गाने सुनेंगे ना, जब उन्हें अफसोस होगा कि यार हम लोग उस टाइम से सीधे मौत को क्यों नहीं सुन रहे हैं। आज मुझे भी अफसोस होता है जब मैं कृष्णा के पुराने गाने सुनता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अंडररेटेड था, लेकिन आज के टाइम पे वो अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। और जब पुराने गाने सुनते हैं तो ये अफसोस होता है कि यार हमने इनका साथ उस टाइम से क्यों नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे सीधे मौत है और मैं इसको शुरू से सुनता आ रहा हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे रैपरों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये जो है हिप हॉप का चेहरा है, हिप हॉप का फ्यूचर है, और यही लोग कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन लेके आ सकते हैं हिप हॉप सीन के अंदर। फिलहाल गाना आ गया, गाने को एंजॉय करेंगे और देखेंगे गाने के अंदर क्या कुछ खास बात है सीधे मौत की। एंजॉय करेंगे और देखेंगे भाई साहब, इसीलिए लेट इट गो। आजादी रिपोर्ट आए लेके आया खून, हाँ हाँ नंगे पाँव, हम रात ले किसी का तो मैं सर पे राउं, हम डर से कम। मैं लेके आया खूनी हाथ नंगे पाव, यार ये मेरे को ना इसकी जो लिखाई है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये जो म्यूजिक है ना, ये मुझे लग रहा है ट्रैप मेटल वाला है, और कहीं ना कहीं मेटल रैप की मुझे याद दिला रहा है। और जो एग्रेशन है सीधे मौत का, वो भी ट्रैप मेटल की तरह ही जा रहा है। और म्यूजिक करण कांचन भाई, एक नंबर एक नंबर। और मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद यार कुछ ना कुछ ट्रैप मैं सुनने वाला हूँ। लिरिक्स एक बार देखते हैं, हाँ यहाँ, लेकिन यार इसको खोलूँगा तो अगले पेज में ही चले जाएगा, तो हम रोकेंगे कैसे फिर। एक सेकंड, कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा तो था यार, किसी ने लिंक दे रखा था, क्योंकि भाई फैंस ऐसे होते हैं जो कट्टर वाले फैंस होते हैं, वो लोग पूरा गाने को 10-10, 20-20 बार सुनते हैं, उसके बाद वो लोग लिखते हैं, फिर वो लोग कमेंट में डाल देते हैं कि भाई ये रहा लिरिक्स, और ये लोग हमारे लिए काम आसान कर देते कहीं ना कहीं। तो भाई लिरिक्स कहीं ना कहीं तो होंगे ज़रूर, पक्का 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 पक्का। मैं देखा तो था मैंने। हर्ष राज थैंक यू सो मच फॉर द लिरिक्स। और अब हम गाने को एंजॉय करने वाले हैं, पहले हुक है फिर वर्स है, तो देखते हैं भाई हुक लाइन कैसे होने वाली है। मैं लेके आया खूनी हाथ, ओहो किसके लिए खूनी हाथ लेके आया भाई। लेके आया खून, हाँ नंगे पाँव, हम रात ले किसी का तो मैं सर पे राउं, हम डर से कम का हो चुका हूँ, मैं हर पर राउं इन रैपरों का दम पिशाच बन चुका हूँ, इन रैपरों का दम पिशाच बन चुका हूँ, डेविल बन चुका हूँ मैं। और यार हुक लाइन बहुत ही बेहतरीन है यार, मैं लेके आया खूनी हाथ नंगे पाँव, हूँ कातिल नहीं किसी का दोस्त, मैं सर फिरा हूँ, आ हा हा घुटन से कब का उब चुका हूँ, मैं अत मरा हूँ। इंसान 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 की शक्ल सोचो यार, खूनी हाथ नंगे पाँव, कातिल है, सर फिरा है, अत मरा है। ओ भाई भयानक चेहरा मेरे दिमाग में इस वक्त बैठ रहा है, और वो लग रहा है सीधे मौत बन के आए हैं रैपरों के, रैपरों। ओ भाई खा जाएगा मेरे को लग रहा है रैपर को यार, यार ये हुकलाइन बहुत अच्छी यार। मैं लेके आया खून, हाँ हाँ नंगे पाँव, हम रात ले किसी का तो मैं सर पे राउं, हम डर से कम का हो चुका हूँ, मैं हर पर राउं इन रैपरों का दम पिशाच बन चुका हूँ,
पॉप सिंथेसाइजर है लबों पे एप्पल साइडर बराबर आत्मनिर्भर आत्मा नहीं बराबर तू है बराबर आत्मनिर्भर आत्मा नहीं बराबर। ओ क्या बड़ी लाइन बोल दी यार बंदे ने यार। बराबर मैं मतलब आत्मनिर्भर हूँ लेकिन जो मेरी आत्मा है वो बराबर नहीं है, वो अलग अलग जगह भटकती रहती है, वो सोचती है मैं ये भी करूँ मैं ये भी करूँ, मैं इधर भी जाऊँ मैं उधर भी जाऊँ। जुबा पे सिंथेसाइजर क्या होता है? टै 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 म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है और साथ में है लबों पे एप्पल साइडर ड्रिंक। ओहो यार ये बहुत बड़ी बातें होती है यार इनके गानों में और ये चीज़ मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है यार। एप्पल साइडर बराबर आत्मनिर्भर आत्मा नहीं बराबर दुआ है आपके साथ पेच खाए सब कुछ अब बस रह गए खाली तीन यार आप में और बैक पाइपर तभी तो आहा दुआ है आपके साथ पेच खाए। मैं रोकूंगा यार ये बहुत बड़ी बात हो रही है यार। मतलब एक पूरा एक मतलब अंदर ही घुस रहा है यार हिप हॉप के अंदर घुस रहा है और अपने अंदर ही घुसता जा रहा है। अब बस रह गए हैं खाली तीन यार कौन? आप यानी फैंस लिसनर्स और मैं यानी सीधे मौत और साथ में बैक पाइपर यानी कि बियर। बियर ही होती है ना बैक पाइपर? हाँ बियर ही होती है, ड्रिंक होती है। तो यार जब मिल बैठेंगे दो यार तो नंबर वन यार ही है वाली बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर। और भाई ये यार ये म्यूजिक मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है और जो एक एग्रेशन दिख रहा है ना यार वो बहुत ही फाड़ू है यार। कुछ अब बस रह गए खाली तीन यार आप में और बैक पाइपर तभी तो देखे मुंह पे कौन कर तुम कमीना से दादा चिप वाले लौंडो पे ये एक ही तरीका से लड़के बन गए नेट पे कैंसर एस एम आई कर गए हैंड्स अप रगड़े क्या गए जरा सा घिस के जल गए साड़े जैसे जले मा चेस ये लातों के भूत चाहे बातों से मान या मांगे सब डिस हम बाटे बस ज्ञान करे बात फिजूल नहीं है कदम आगे दस है ये तो दूरबीन सच है कदम आगे दस दो दूरबीन यानी दोनों और है कदम आगे दस मतलब कदम आगे हैं और हम आगे की देख रहे हैं जैसे दूरबीन आगे की देखता है फ्यूचर की देखता है। मेरे ख्याल से शायद यही बात हो रही है लातों के भूत जाए बातों से मान आए हाय लातों के भूत बातों से मान रहे ये मांग रहे हैं डिस यानी जो आजकल शायद कुछ रैपर जो है बेफिजूल डिस करते हैं फेमस होना चाहते हैं लेकिन हम वो चर्च नहीं करते हैं हम करते हैं ज्ञान की बातें अपने गाने के अंदर जो कि ज्ञान की बातें चल रही है यहाँ पे। आय है यार ये यार दो मिनट का गाना लेकिन सुनने में पूरा मजा आ रहा है यार समझने में भी बहुत मजा आ रहा है। साड़े जैसे जले माचिस जलातों के भूत चाहे बातों से मान या मांगे सब डिस हम बाटे बस ज्ञान करे बात फिजूल नहीं है कदम आगे दस है ये तो दूरबीन सच्ची बोलू मेरे मूड तीन एक काम में बड़ा तो सो बरू मैं जब तीसरे को तलाश है खून की निर्वली दिल में बीरबल यार ये तीसरे वाला मूड मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और जो तीसरा मूड है ना कि पहला मूड बताया कि मैं काम हूँ लेकिन काम नहीं है खाली ना कोई काम है दूसरा मैं सोवर हूँ और तीसरा जो है तलाश खून की और जो तीसरा मूड है ना तीसरे मूड में ही यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई इसको खून की तलाश है खून करना चाह रहा है और तीसरे मूड में ये गाना लिखा है भाई बंदे ने यार यार बहुत मजा आ रहा है यार तीन मूड मेरे मूड तीन एक काम में बड़ा तो सोबर हूं मैं जब और तीसरे को तलाश है खून की निर्वली दिल में बीरबल से चतुर मक्खन स्लोअर पेन गेम पतल अनुभव नहीं सारे ढक्कन बंद तेरा चक्र कम व्यक्तित्व मधुर 101 का ले जा शगन मौका खुशी का तोहफा सखम हम दर्दियां कब से भर हूं सर पे राय भेज दे खूनी हा हा नहीं पा हूं कब ले किसी का तो मैं सर पे राव ना घुटन से कब बहुत यार बहुत आला यार बहुत आला। और मैं यही चीज कहता हूँ यार ये जो गाने खत्म हो जाते हैं ना इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ यार। और कोई भी बंदा जो एक हिप हॉप लवर होगा वो यही सोचता होगा कि यार गाने बड़े लेके आओ क्योंकि यार वो बात है इस गाने के अंदर यार। और यहाँ पे एक चीज कुछ अकबर बीरबल वाली बात बोली थी वो चीज मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी यार। मक्खन सा निर्मल नहीं दिल ये मैं बीरबल सा चतुर। बीरबल कितना चालाक था आपको मालूम है? निर्बल यानी कि मैं भाई कमजोर नहीं हूँ मैं या फिर हारा हुआ नहीं हूँ मेरा या फिर मैं मतलब शरीफ नहीं हूँ मेरा जो दिमाग है वो बहुत ही चतुर है।
और पिशाच बन के आया है भाई। वो एक गाना सुन के मुझे बहुत ही मजा आया, और स्पेशली जो इसका हुक लाइन था, हुक लाइन मुझे बहुत ही गजब लगा। और करण कंचन ऑन द बीट, हमेशा की तरह फायरिंग वाला फ्लो। बाकी आप लोग बताइएगा आपको गाना कैसा लगा, बहुत सारा प्यार। और जो लिंक है यार डिस्क्रिप्शन के अंदर, रैपर टैग, सपोर्ट करो। और मैं चाहता हूँ कि यार आर्टिस्टों को आगे निकाला जाए, क्योंकि हिप हॉप के अंदर कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन लेके आना है, हिप हॉप के अंदर नए नए चेहरे सामने लेके आने हैं, तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। बाकी थैंक यू सो मच मेरे साथ 10 मिनट तक बने रहने के लिए, लव यू, बहुत सारा प्यार। वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करते हुए चले जाना, और ये सुनेंगे दोबारा से गाना। और इसके अंदर जो वो एग्रेशन है ना, मतलब पागलपन वाला, वो पूरा पूरा दिखा। और यार अगर इसने रिकॉर्ड किया होगा सीधे मॉस ने, तो ये मैं गारंटी करूँ पूरा, मतलब पूरा चार्ज हो गया यार ये गाना रिकॉर्ड करते वक्त। बाकी यार बाय बाय, लव यू, टेक केयर मेरे सभी भाई लोगों को।